श्री राजा राम इंटरकालीन तैयारी के रखा जौनपुर कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान ऑनलाइन क्लास में छात्राओं आपका स्वागत है। कक्षा 10 गृह विज्ञान प्रश्न है, इसमें पर्दे के चुनाव में ध्यान रखने योग्य बातों का उल्लेख कीजिए। पर्दे के चुनाव में ध्यान रखने योग्य बातों का उल्लेख कीजिए। पर्दे का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक है कपड़े का चुनाव। कपड़े का चुनाव, कपड़े का चुनाव करते समय चयन करते समय कपड़े का चुनाव करते समय उनके रंग पर कपड़े का चुनाव करते समय उनके रंग एवं क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो पर्दे आप कमरे में लगाते हैं कपड़े नित्य रोज साफ नहीं होते हैं। इस नाते कमरे का रंग रूप आकार के अनुरूप पर्दे का चयन करना चाहिए। पर्दे कैसे हों, इनकी क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी कैसी है, कमरा छोटा है या बड़ा है उसके अनुरूप। यदि कमरा बड़ा है तो बड़े छाप वाले पर्दे का चुनाव करना चाहिए, यदि कमरा छोटा है तो उसके हिसाब से छोटे चित्र वाले कपड़े का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि कपड़ा का रंग रूप बनावट इत्यादि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे कमरा है उसके अनुरूप आप पर्दे का चयन करते हैं तो उसकी शोभा बढ़ती है। यदि पर्दे आप लगाते हैं कमरे में, कमरे के रूप रंग आकार के हिसाब से, रंग के हिसाब से कपड़े का चयन नहीं करते हैं तो पर्दा उतना शोभायमान नहीं होता है। दूसरा हेडिंग है कमरे की सज्जा का ध्यान। कमरे के सज्जा का ध्यान, कमरे की साज सज्जा कैसी है उसके अनुरूप ही पर्दे का चयन करना चाहिए। पर्दे लगाते हैं कमरे में तो कमरे की खिड़की दरवाजे इत्यादि की साज सज्जा कैसी, उसके रंग रोगन पॉलिश कैसे हैं उसके अनुरूप यदि पर्दे का रंग रोगन का चयन आप ध्यान देते हैं तो पर्दे कमरे की शोभा बढ़ती है। जब उसके रंगों के विपरीत आप रंग का कपड़े का पर्दा लगा देते हैं तो उसकी शोभा बढ़ने के बजाय भद्दे लगने लगते हैं। तो कमरे का रूप रंग सज्जा कैसी है उसके अनुरूप ही पर्दे का आपको चयन करना चाहिए, क्योंकि यह गृहिणी के ऊपर निर्भर करता है उसके कमरे के अनुरूप कैसी उसका विचार कैसी भावना है। क्योंकि गृह सज्जा में देशी एवं विदेशी शैली का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि विदेशी शैली के अनुरूप यदि कमरा है आपका, कमरा बना है देशी शैली में, आप साज सज्जा उसकी विदेशी शैली में कर देते हैं तब भी उसकी शोभा नहीं बढ़ती है। क्योंकि जैसा जैसा देश वैसा भेष की कहावत चरितार्थ होती है। इसके अनुरूप आपका कमरा है, दरवाजा है, रंग रोगन खिड़की इत्यादि हैं, उसके अनुरूप ही पर्दे का चयन करना चाहिए। उसके बाद है कमरे का आकार। तीसरी टॉपिक है कमरे का आकार। कमरे के आकार के हिसाब से पर्दे का चयन करना चाहिए। यदि कमरा बहुत बड़ा है तो उसके हिसाब से बड़े चित्र वाले पर्दे का चयन करना चाहिए। यदि कमरा छोटा है तो छोटे चित्रों वाले पर्दे का चयन करना चाहिए। और रंगों का भी इसमें आकार में, कमरे के आकार पर रंगों का भी विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रंग का आकार कैसा है, जैसे रंग का
आपका कमरा है, जब उसी रंग के पर्दे लगा देते हैं तब भी उतनी शोभा नहीं आती है। जब उसके थोड़ा सा रंग से मेल खाता हुआ पर्दा आप लगाते हैं तब कमरे की शोभा में चार चांद लग जाता है। यदि उससे मेल नहीं खाता है, टैली नहीं मिलाते हैं आप, तब कमरे की शोभा बढ़ने के मलाय भद्दे लगने लगते हैं। तो कमरे के आकार के अनुरूप ही पर्दे का चयन आपको करना चाहिए, क्योंकि पर्दे लगाने से घर की शोभा बढ़ती है। धूल मिट्टी की गर्द जो हमेशा जाती रहती है वह नहीं जाती। इसके लिए आपको इसका बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो पर्दे का चयन किया है उसका रूप रंग आकार कैसा है, कमरे का हमारे आकार कैसा है, उसके अनुरूप ही पर्दे का चयन करना चाहिए। उसके बाद है खिड़की या दरवाजे का आकार। खिड़की या दरवाजे का आकार, खिड़की या दरवाजे का आकार कैसा है। बड़ी बड़ी खिड़कियाँ भी हैं, छोटी छोटी भी खिड़कियाँ आज का फैशन बन चुका है। जब भी खिड़कियाँ बड़ी हों तो उसके दरवाजे और खिड़कियों के आकार में पर्दे का मेल खाना चाहिए। यदि खिड़कियाँ छोटी छोटी हैं तो उनके आकार के हिसाब से पर्दे का चयन करना चाहिए। तो खिड़की या दरवाजे के कपड़े के चुनाव करते समय संबंधित कपड़े की खिड़की और सामने में फैलाकर थोड़ी दूर से देख लेना चाहिए कि हम पर्दे का चयन कर रहे हैं, खिड़की का पर्दा है, दरवाजे का पर्दा है। जब इसमें मेल खाता हुआ नज़र आता है तो उसका चयन कर लेना चाहिए, जब मेल नहीं खाता है तो उसका चयन नहीं करना चाहिए। उसके बाद धुलाई की विधि। की विधि, देखिए पर्दे का चयन करते समय धुलाई में भी सरलता होनी चाहिए। ऐसे कपड़े का चयन कर लेना चाहिए जो धुलाई में सुविधा रहे। ऐसे कपड़े का चयन जैसे रेशम के पर्दे का चयन आप कर लेते हैं, रेशम के कपड़े की धुलाई घर पर होना संभव नहीं है। इसकी धुलाई के लिए ड्राई क्लीनिंग की आवश्यकता होती है। ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए आपको मार्केट में जाना होगा, इसमें काफ़ी धन व्यय हो जाता है। तो हमको पर्दे का चयन करते समय धन का भी बजट का भी ध्यान देना चाहिए कि हमारा बजट क्या है। बजट के हिसाब से अपनी व्यवस्था करना चाहिए। यह नहीं कि बजट आपके पास कम हो और आवश्यकताएँ आपकी अधिक हैं, ऐसे समय में आप बजट अधिक लगाते हैं, बजट अधिक धन व्यय कर देते हैं, तो यह भी आपकी बुद्धिमानी नहीं मानी जाती है। उसके बाद है सिकुड़न का ध्यान। का ध्यान, पर्दे का चुनाव करते समय, पर्दे खरीदते समय उसके सिकुड़न पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि पर्दे आप खरीद लीजिए बाद में कपड़े सिकुड़ जाएं तो पर्दे छोटे लगते हैं। जब पर्दे छोटे लगेंगे तो नीचे से धूल मिट्टी गर्द आ जाएगी और कपड़े पर्दे देखने में भद्दे लगने लगते हैं। तो ऐसे कपड़े का चयन कभी नहीं करना, क्योंकि सूती कपड़े जिसका पर्दे आप लगाते हैं तो उसका सिकुड़ना पक्का है। ऐसी स्थिति में पर्दे बड़ा लेना चाहिए, क्योंकि पर्दे बड़े रहेंगे थोड़ा सिकुड़ भी जाएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। यदि ऐसे में आपने सूती कपड़े का चयन कर ही लिया है तो पर्दे दरवाजे से थोड़े बड़े लेने चाहिए कि बाद में धुलने के बाद वो सिकुड़ जाए तब भी भद्दे न लगें। उसके बाद कपड़ा मजबूत व टिकाऊ हो। कपड़ा मजबूत व टिकाऊ हो। पर्दे का चयन करते समय, पर्दे का चुनाव करते समय कपड़े के धागे को लेकर पर्दे के धागे को तोड़कर देख लेना चाहिए कि पर्दा मजबूत है, तभी कपड़े को खरीदना चाहिए। क्योंकि पर्दे जब लगाते हैं घर में तो रोज़ रोज़ नहीं बदले जाते हैं, क्योंकि एक बार पर्दे लगा लिए तो कुछ दिन के लिए उसका
उस पर धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस नाते कपड़े मजबूत और टिकाऊ लेना चाहिए। यदि कपड़े मजबूत और टिकाऊ नहीं लेते हैं तो बार बार धन का व्यय पर्दे पर करना होता है। तो जब पर्दे पर बार बार धन व्यय करना होता है तो ऐसे में हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भार पड़ता है। जब हमारा बजट इस समय हमारा बजट तब बचत का बजट न बनकर घाटे का बजट बनने लगता है। तो जब एक बार धन आपने व्यय कर लिया तो उसको ध्यान देना चाहिए कि अब इस पर जो धन हमने व्यय किया है उसके हिसाब से या काम चल रहा है कि नहीं, तो इसके हिसाब से मजबूत और टिकाऊ कपड़े का ही चयन करना चाहिए।